डॉन विलिस मैं आ चुका हूँ, अब इसको कुछ नहीं हो पाएगा। डॉन विलिस की करूँगा खटिया खड़ी। अक्का बक्का धूम धड़क्का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हितेश के एस। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं माफिया का पार्ट फोर। तो गाइस सबसे पहले यार सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सपोर्ट दिखाया कि यार मैं सीरीज करनी ही भैया पड़ी, क्योंकि भैया बीमार था, लेकिन भाई आपका सपोर्ट देख के जी गए भैया कि कर डालूँ। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो पार्ट फोर माफिया का, चलो देखते हैं साथ में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक छोटा सा बॉडीगार्ड और मैं तो एक छोटा मोटा ही आदमी था, लेकिन माउंटेन ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज सर उठा के घूम सकता हूँ। और अब मुझे पता लगा कि माउंटी की भी डेथ हो गई है, डॉन विलिस ने उसको धोखे से मरवा दिया है और अपने ही बंदे से। और दिक्कत कोई बात नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, पर मैं चेक कर लूँ कि अब कोई बचा तो नहीं है बाहर बंदा, क्योंकि अगर कोई होगा तो वो खतरा बन सकता है हमारे भतीजे के लिए। इस करके मुझे देखना होगा पहले कि कोई है तो नहीं बाहर। अभी तो यहाँ कोई लग नहीं रहा। ठीक है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे अपनी स्टोरी बताने की वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हुआ क्या था। आप सब ने पार्ट नंबर 3 देखा ही होगा, अगर नहीं देखा जाके देख के आओ। लेकिन मुझे जरा भी ये जरा एरिया क्लियर करना है। वैसे यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा अभी। ठीक है, तो मैं जाके बुला लेता हूँ हमारे छोटे भाई को ताकि वो आ जाए। हेलो सर, आ जाओ बाहर, एरिया क्लियर है, आ सकते हो। तो सर ठीक हो? ठीक हो, अभी हम लोग एक लोकेशन में जाएंगे। मोंटी ने मुझे कहा था कि आपको वहाँ पहुँचा दे, क्योंकि उसको पता था कि उसकी गैंग कमज़ोर है और ऐसा कुछ होने वाला है, उसको पहले से पता था। तो अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है? दिक्कत की बात नहीं, बस गन वगैरह है, आप आराम से बैठो, मैं आपको पूरी सिक्योरिटी दूंगा। पर मुझे देख के चलानी होगी, धीरे चलानी होगी, और कोई भी पॉसिबल जो डेंजर होगा उसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। तो आपको इतने हम जा रहे, इतने आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये डॉन विलिस और आपके चाचा माउंटी के बीच में क्या दिक्कत है, और आपका जो एक और चाचा है जो उसका उसकी क्या प्रॉब्लम है, और वो क्यों नहीं आना या फिर क्या, सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, आराम से आप सुनिएगा, हम लोग ड्राइव करते जाएंगे। तो जो डॉन विलिस था वो पहले आम ही बंदा था, और डॉन विलिस और आपका चाचा मोंटी ये दोनों दोस्त थे। बट आपको पता है दोस्ती में दरार आने में टाइम लगता नहीं है। तो उनके बीच में कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसके कारण से मोंटी अलग हो गया था, और डॉन जो पहले तो डॉन भी नहीं था, इसको विलिस ही बोलते थे, तो विलिस अलग हो गया था। उसके बाद इसने थोड़ा घपला वगैरह किया विलिस ने, तो ये थोड़ा बड़ा हाई रैंक करने लग गया। इसने जाके किसी और माफिया के तलवे चाटना शुरू कर दिया, तो अब माफिया तो उसको पसंद आ गया बिल्कुल, जो माफिया था वो वाला। तो माफिया ने भी इसकी काफ़ी हेल्प की, तो इसको एक एरिया का डॉन बना दिया। आपको पता ही होगा कि जो माफिया होते हैं वो एक लार्ज बड़े एरिया पे रूल करते हैं, और उनके जो असाइनमेंट होते हैं वो एक डॉन को देते हैं। तो डॉन छोटे होते हैं, माफिया बड़े होते हैं। तो ऐसी जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट अभी हम जिसमें घूम रहे हैं, इसमें हमारे पास 3 माफियाँ हैं, पूरी GTFM में हमारे पास 3 माफिया हैं, और 3 माफिया के पास अपने टोटल 2-2 डॉन हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि भाई थोड़ा ख़तरनाक हो गया अब यहाँ पे रहना। बाकी एक गैंग, एक माफिया शायद हमारी हेल्प कर सकता है, मैं उसे बात करने की ट्राई करूँगा। सुन रहे हो बात? ओके, तो मैं यही कह रहा था कि बस इसमें बात ये आपको जो मेन जानने वाली है कि आपको गन चलाना कम से कम सीखना हो, क्योंकि अगर आप बाहर ऐसे पकड़े गए तो आपके डायरेक्ट ये मार देंगे। अगर आपके हाथ में गन होगी तो डर के खौफ बना रहेगा, समझे मेरी बात, क्योंकि आपको थोड़े बहुत तो गन चलाने सीखनी ही पड़ेगी। मुझे पता है आप एक अच्छे स्टूडेंट वगैरह रह चुके हो, तो आपने कभी ऐसा काम नहीं किया गन वगैरह का, लेकिन हमें जब हमारे ऊपर जब कोई आँख उठाता है उसकी आँख हमें तोड़नी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो टेंशन ना लो, मैं आपके लिए सब कुछ इंतज़ाम कर रखा हूँ। अगर बाय चांस मुझे भी कुछ हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको रहने खाने पीने की सब जगह मिलेगी। माउंटी ने सारी आपके लिए सुख सुविधाएं कर रखी है पहले से ही, आप टेंशन ना लो। बट आपको ये लेना है कि एक मिनट, जरा मुझे जरा फोकस कर लूँ यहाँ पे, राइट से कि लेफ्ट से, कहाँ से जाऊँ? एक काम करते हैं राइट से जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट से जाएंगे तो वहाँ पे मेन हाईवे है, वहाँ पे मे बी दूसरे डॉन जो है, जो माफिया विलेज के
दोस्त हैं, जो डॉन विलेज के दोस्त हैं, वो हम पे हमला कर सकते हैं। देख के कभी आपको लग रहा है कि एक डॉन विलेज से सबसे बुरा आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉन विलेज के साथ में उसके दो एक डॉन और है उसके साथ में, और उसका जो हेड है डॉन विलेज का जो बॉस है जो कि है माफिया, वो भी बड़ा ही गंदा इंसान है। और उसके अलावा ऐसे दो माफिया और हैं जिनके दो डॉन उनके अंडर काम करते हैं। तो ये सिटी बहुत क्राइम से भरी हुई है, यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, इस करके कम से कम वो गन चलाना सीखना ही होगा। तो मैं ये कह रहा था अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपको जाना है ये इस लोकेशन में, ठीक है, मैं आपको लोकेशन दे दी है, ये लो पकड़ो। तो यहाँ मैं आपको जाना है और बस आपको वहाँ जाके आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। बट आपको एक ध्यान रखना है कि आपको इस सिटी में थोड़े सालों के लिए नहीं आना अगर मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका फिर कोई नहीं बचेगा और आपको मारने के पीछे सारे चले जाएंगे, ठीक है। इस करके आपको थोड़ा सुरक्षित रहना पड़ेगा, अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आपकी जो चाचा मोंटी है उसकी भी शहीदी बेकार जाएगी और मेरी भी जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, और आपको अपने फादर का, अपने चाचा का, अपनी जो गैंग थी आपकी छोटी सी, मैं मुझे पता है आपकी वो गैंग नहीं थी, लेकिन मोंटी चाचा तो आपका था ना, तो उसकी गैंग आपकी गैंग, तो वो सारी गैंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो आपको उसका पता ज़रूर लेना होगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरी कब भी डेथ हो सकती है, मैं वैसे भी एक बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो यही हो सकता है। और लगता है हम बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये इलाका मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे ये इलाके में कुछ लोचा लग रहा है मेरे को। आप कार में रुकिएगा, अगर आपको गन फायर की आवाज़ आती है आप कार में ही बैठे रहिए, क्योंकि ये कार बुलेट प्रूफ है, आपको गोली नहीं लगेगी, ठीक है। मैं जाके देख के आऊँगा, एक मिनट, मुझे कोई ये लोकेशन अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे लगता कोई बंदे आ सकते हैं। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा हल्का हल्का उतारते हैं कार को, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा लोचा होता है। तो यहाँ पे जरा हमें देखना होगा धीरे धीरे। ओके, आप एक काम करो, आप मेरी गन रखो ये वाली, ठीक है, ये गन रखो, अगर मेरे को कुछ हो जाता है आप मेरी कार लेके निकल जाना इस लोकेशन में जो आपका मैंने सेंड किया आपके फ़ोन पे, ठीक है। मैं यहाँ लगाता हूँ, मैं देख के आया, कुछ यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि आगे जाने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, रुकना यहीं पे, ठीक है। अबे कौन है बाहर, आगे जाके देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है सर, सब कुछ ठीक है, हम लोग अब चलेंगे आगे, ठीक है। ओके, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, चलो। ये क्या हुआ, ओए ओ गोली कौन चला रहा है, और रुक जाओ सर, अंदर रहना, मैं उनको टेकता हूँ। अरे तो बहुत सारे, ये बालाज गैंग कहाँ से आ गई यहाँ पे, ये सारे गैंग वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं। बट मैं अभी जिंदा हूँ और इन सबको मैं ख़त्म कर डालूँगा, पर ये गोली पहुँच जा रही है, मेरी हेल्थ जा रही है, मेरी हेल्थ जा रही है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। सर अंदर बैठिएगा, मेरी हेल्थ बहुत कम जा रही है। एक मिनट सर, गोली तो कोई नहीं लगी ना आपको, ठीक है। यहाँ पे रोकता हूँ कार को और यहाँ से फायरिंग करता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही गोली है, एक ही गन है मेरे पास, लॉन्ग रेंज की कोई गन नहीं है, बट मैं इनसे चुरा लूँगा, वो तो कोई बात नहीं है। आप गए, ये रे बालाज की औरतें हम पे हमला कर रही हैं, मतलब जो सिटी के डॉन है उनको पता लग गया कि भाई मोंटी की डेथ हो गई है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक बात हो गई, क्योंकि अब सिटी में तबाही मच सकती है, क्योंकि जब कोई भी एक डॉन या फिर कोई भी एक गैंग लीडर मरता है तो सिटी में तबाही होती ही होती है। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गन कहाँ गई इनकी, ये रही इसकी गन, ये रही, ठीक है, गन आ गई मेरे पास अब ये वाली। अब आओ, कौन आएगा, आओ अब, बस हो गए ख़त्म सारे। चलो मैं सर के पास जाता हूँ, सर को कहीं गोली लग जाए कोई, ठीक है। तो देखो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि हमारे पीछे सारे गैंग वाले पड़ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। आ गया सर, मैं आ गया सर, ठीक है, गोली तो नहीं लगी ना कोई, चलो हम चलते आगे। फिर
सर देखो यही इसके बारे में बात कर रहा था, अगर मैं ना होता फिर आप कैसे बचते? आपको गोली चलानी, आपको गन फायरिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी। चाहे आप अच्छा इंसान हो पर आपको कोई ना कोई एक टैक्टिक आनी चाहिए निकलने की। अगर देखो आपको ना होती होती आपको ये ढेर कर देते, और आपके मोंटी चाचा की जितनी भी कुर्बानी हुई है वो सारी बर्बाद हो जाती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेफ लोकेशन में। मोंटी ने मुझे बताया था कि आपको वहाँ पे थोड़े दिन के लिए रखे, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू करवाए। बाकी मुझे पता है आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, पर आपको करनी ही पड़ेगी। आपने आपके सामने देख लिया कि क्या कितने बुरे हालात हो गए सिटी में। अब आप हर एक माफिया डॉन की नज़र में आ चुके हो, तो वो आपको कैप्चर करने की ट्राई करेगा। बस हम लोकेशन में पहुँच जाएँ, फिर आपको मैं ट्रेनिंग शुरू करवा दूँगा। आपकी यहाँ से जाएँ कि आगे से जाएँ? कहाँ से जाएँ? आगे से ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्कड़ माफिया है तो वो दिक्कत कर सकता है। मेरे ख्याल से मेरा कोई पीछा भी कर सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और आप फ़ोन, जैसे ही आप प्रॉब्लम लगे मेरे को फ़ोन घुमा दीजिएगा, ठीक है? मैं जरा आपके लिए खाना पानी लेके आऊँगा। बस गैस हम पहुँच ही गए हैं, पास ही है ये वाला एरिया। हाँ ये रहा। तो मैं भी जहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, जहाँ पर माउंटेन में जगह बताई थी, उसने कहा था कोई दीवार में खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर चढ़ना पड़ेगा तुम्हें कार लगा के। एक मिनट, यहाँ कहाँ पे है? शायद आगे होगी, आगे। अरे यहाँ पे भी नहीं है। चिकन फैक्ट्री के पास ही कहा था उसने, चिकन फैक्ट्री तो ये रही हमारी, शायद पीछे होगी, पीछे वेयर हाउस है कुछ, तो वहाँ पे हो सकती है। एक मिनट, यहाँ पे शायद ये रे, शायद रे, मेरे को मिल गया। मैं जरा चेक करके आया, ठीक है? आप कार में बैठिएगा, क्योंकि कार बुलेट प्रूफ है, आपको कोई गोली लगेगी नहीं। मैं जरा देख के आया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और वो लोकेशन सच में यही है कि कुछ और है। बाहर तो ऐसे कोई दिख नहीं रहा मेरे को, तो आप कार में बैठिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मेरे को आवाज़ मार देना। बाकी मैं देख के आया पहले, यहाँ पर कहीं कोई लोग छुपे ना हो पहले से ही, क्योंकि ये गैंग हाइड आउट है। ये तो सारा साफ पड़ा हुआ है। ओके ऊपर देखते हैं, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। यस यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इलाका मुझे, ऊपर से वेंटेज पॉइंट भी अच्छा है। ठीक, अभी तो क्लीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और रोड भी दिखती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे। अब जाके मैं सर को बताता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया, आप जा सकते हो। सर सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हो ऊपर, ठीक है? ऊपर वाले माले में बैठना, मैं ज़रा पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? आप ज़रा रूम वगैरह देखिए अपना, तो ठीक है। चलो बाहर निकलते हैं, अब देख के आते हैं क्या सर रूम बता रहे हैं। सर जी वैसे मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, तो इनको मैं खाना लाने के लिए भेजूँगा। और अभी तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है। यहाँ पे तो पूरा खाली, अच्छा ऊपर बैठना था ना, ऊपर जाना था। ऊपर चल के देखता हूँ। अच्छा ये है वो जगह, तो काफ़ी ठीक लग रही है, साफ़ सुथरी है, तो यहीं पे लेट जाता हूँ। ठीक है, यहीं पे लेट जाता हूँ। चलो बढ़िया सर, तो अब पहुँच गए, और मैं अब ज़रा खाना पानी ले कर आता हूँ, कार निकालता हूँ। अब कार हट गई, मतलब कोई इसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है। ओके अब ठीक है, हम चलते हैं और खाना पानी लेके आते हैं। डॉन विलिस सर, जैसे आपने मुझे कहा था, मैंने उसका पीछा किया, और अब मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई है। मैंने अपने कुछ लड़कियों को भेजा, उसने देखा है, और वहाँ पर जाके उसको वही आदमी दिखा है। तो अगर आप लोग रेडी हो तो चलते हैं, फिर आ जाओ। अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर सारे, पर अगर बात झूठी हुई तो मेरी गोली तुम्हारा सर। चलो फिर मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो भगोड़ा अब छुपने की कगार पे आ गया, उसमें कोई दम नहीं बचा। मैंने उसकी पूरी गैंग ख़त्म कर दी। किंग विलिस है,
किंग ऑफ दिस GTA 5। जैसे मैंने मोंटी को मरवाया, ऐसे मैं किसी को भी मरवा सकता हूँ। मेरा दिमाग है बहुत तेज, और लगता है माफिया को अब तक कोई बात पता नहीं है जो हमने घपला किया है उसके साथ। तो शॉर्टकट लेते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतने सारे लोगों को इतनी बुरी तरह मरवाऊँगा। यही तो बात होती है, कितनी दूर है वो। चलते चलो, चलते चलो। पर मैं बात तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात झूठी हुई, तुमने मेरा समय बर्बाद किया। मैं एक एक को इतना मारूंगा कि भिखारी भीख नहीं देगा। ठीक है, अपनी ये बात सर में घुसा लो। चलो, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं चिकन फैक्ट्री। ये चिकन फैक्ट्री के वेयर हाउस में आपने देखा था राइट, चिकन फैक्ट्री के वेयर हाउस तो आगे हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। अच्छा, ये रहे ये वेयर हाउस ये रहे, और यहाँ पे दिखा मेरे को कुछ, पर यहाँ चढ़ेंगे कैसे हम लोग। एक काम करो, तुम सारे कार में रुको, मैं ज़रा देख के आया। ठीक है, चलो अब ऊपर चढ़ने की बारी आई मेरी। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है बेटे, यहाँ तो कुछ नहीं है। तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। बोलते हैं यहाँ पे हमें पकड़ रखा है, कहाँ पे है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अच्छा, आगे भी कुछ है शायद, यहाँ पे भी नहीं है। एक और बच्चा अगर यहाँ पे ना हुआ ना, तुम्हारी गैंग को भी ख़त्म करवा दूँगा मैं। ये बच्चा आखिरी, ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ से ओके, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक दो तीन, कोई नहीं। ये क्या, अरे मिल गया बेटा मच्छर प्रसाद, अब कहाँ बचेगा। जितना सोना है सोले, आ चुका है डॉन विलिस तेरी हत्या के लिए। ओए सारे आ जाओ, पकड़ के लेके जाना है इसको, जल्दी आ जाओ सारे। अब होगा मौत का नंगा नाच। ओके, खाना पानी मेरे पास है, कार में रखा हुआ है, मैं जरा कार में बुला के उनको खाना खिला देता हूँ। तो यहाँ पे ओके, ये रहा, ठीक है, यहाँ लगाते हैं कार को और अब खाना देते हैं इनको। ठीक है, वैसे आप सबको बात बताऊँ, जो डॉन विलिस है उसने मेरे जो भाई था उसने उसको मारा था, उसको बड़ी ही दर्दनाक मौत दी थी, लेकिन मैं इस बार अपने बॉस के लड़के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे कहाँ पे क्या, हेलो, लगता है डॉन विलिस को पता लग गया हमारे इसके बारे में। डॉन विलिस तू तो अब गया, रुक जा बेटा, डॉन विलिस को तब मैं ख़त्म करूँगा। और मुझे पता है उसने वो कहाँ पे लेके गया होगा, उसकी फेवरेट लोकेशन लॉस्ट MC का एयरपोर्ट, छोटा एयरपोर्ट जो कि है डेजर्ट के पास। मुझे पता है वो कहाँ पे होगा, उसने मेरे भाई को भी वहीं पे मारा था, लेकिन इस बार वो नहीं मार पाया किसी को, क्योंकि उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। डॉन विलिस तो अब गया। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहीं कहीं होगा डॉन विलिस, क्योंकि उसने मेरे भाई को भी यहीं मारा था, और वो हर किसी को जो भी वो पकड़ के लेके आता है सबको यहीं मारता है। अरे जल्दी कार भगानी पड़ेगी मेरे को, कि अगर मैं चूका तो वो उसको मार डालेगा। लोकेशन तो यहीं कहीं है, मेरे को ज़रा देखना होगा। यहाँ पे ये रहा लॉस्ट MC का एयरपोर्ट छोटा सा, एंड यहाँ पे लग रहा है शायद आगे हैं। डॉन विलिस तूने ले लिया है गलत बंदे से पंगा। डॉन विलिस मैं आ चुका हूँ, अब इसको कुछ नहीं हो पाएगा। डॉन विलिस की करूंगा खटिया खड़ी। डॉन विलिस इसको जाने दे, अगर तूने नहीं जाने दिया मैं अपने साथ बॉम्ब लेके आया हूँ। ना ये रहेगा ना मैं रहूंगा, ना तू रहेगा ना तेरे साथ में दो बॉडीगार्ड रहेंगे, ना तेरे पीछे कार रहेगी, सबको उड़ा डालूंगा। तो जाने दे इसको, नहीं तो यहीं पे होगा मौत का नंगा नाच। बेटा तू जा, ये कायर है, ये तुझे नहीं रोक पाएगा, जा। अंकल मैं आपका बदला जरूर लूंगा, अगर आपको कुछ हुआ तो डॉन विलिस को मैं खत्म करूंगा अपने हाथों खुद ही। तो डॉन विलिस तू सुन ले, अभी मैं डरता नहीं हूँ, मैं आऊँगा तेरे लिए। जब मैं आऊँगा तो सारे रोएंगे और मैं हंसूँगा।
बाप का, चाचा का, अपनी गैंग का, सबका बदला लूंगा मैं। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, लौटूंगा और तेरी खोपड़ी में गोली उतारूंगा। मैं बनूंगा GTA 5 का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन। तेरे को पता है बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक छोटी सी लाइन होती है और तूने वो लाइन क्रॉस कर दिया। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि तेरा बड़बड़ करना कितना भारी पड़ेगा तुझ पे। बॉम्ब लेके आया तू है? बॉम्ब लेके आया? मैं दिखाऊँ बॉम्ब क्या होता है फिर असली। ये देख, इसको बोलते हैं बॉम्ब, RPG का धूम धड़क्का। अब बोल के दिखा। पकड़ो सारे इसको, कहाँ गया ये? यहाँ कोई भागा था ना ये? बड़ा सुना कर गया है, बदला लेगा उसका इसका, तेरी ऐसी की तैसी हो बदला लेगा मेरे से। कहाँ पे है ये? अरे यार तो गायब हो गया बिल्कुल ही। रुको रुको, मेरे को बड़ा गुस्सा, जब मेरे को गुस्सा आता है मैं सिटी को करता हूँ तबाह। डॉन विलिस से हाथों एक छोटा बच्चा निकल गया, एक टीनेजर निकल गया और मुझे धमकी दे के गया है, बेटा तुम सबसे अब मैं ऊब चुका हूँ। सिटी को करूँगा पूरा तबाह, खोज कर निकालूंगा चाहे वो कहीं पर भी हो, ये कार वाला बेवकूफ़। पर मैं लिख कर देता हूँ कि मैं अपने हाथों से उसको ख़त्म करूँगा। ज़्यादा बड़बड़ करनी आती है उसको, उसको पता नहीं डॉन विलिस कौन है। डॉन विलिस वो मैं, दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। डॉन विलिस आ रहा है तुम्हारे लिए। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, आशा करते हैं आपको हमारा माफिया का पार्ट में बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारो, क्योंकि भैया हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। एंड गाइज पार्ट नंबर 5 थोड़े दिन के बाद आएगा, मतलब 2 दिन के बाद आएगा, ठीक है? तो आफ्टर 2 डेज आपको मिलेगा पार्ट नंबर 5। और प्रॉबली गाइज उसमें हमारी जो बंदा है, जो हमारा करेक्टर है, उसकी ट्रेनिंग शायद कम्प्लीट भी हो जाएगी। तो भैया जी डॉन विलिस के ख्याल लगने वाली है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं गाइस क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो भैया आज की हमारी वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो गाइस कल एक पोस्ट आएगी, कम्युनिटी पोस्ट, जरूर देखना, ठीक है? मेरे को आपसे कुछ पूछना है उसमें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, पीस ओवर एंड।